अगर आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो कर सकते हैं कॉल। हमारे टोल फ्री नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और साथ ही आज राशियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है आज आपका दिन? मेष राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आज आपका दिन कहता है परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अधूरे पड़े काम पूरे हो सकेंगे यदि थोड़ी सी मेहनत कर ले। परिवार के साथ परिवार में सुख और एवं तरक्की रहेगी, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं किसी की जो तरक्की रुकी हुई है वो भी हो सकती है। प्यार के इजहार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, तो आज जो है प्यार का इजहार करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कहता है दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। आज आप काफी तनाव मुक्त महसूस करेंगे और साथ ही कोशिशों के परिणाम भी आपके आशाजनक रहेंगे। मन में चलते हुए शक जो है वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? आपके लिए आज का दिन कहता है कि आज किसी के अनावश्यक दखल में परेशानी होगी और काम में थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कोर्ट संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी, आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा, भगवान की तरफ भी ध्यान जा सकता है। आपके लिए आज आपने करना क्या है आज के लिए आपके लिए बताना चाहेंगे। यदि आपके किसी ने पैसे ले लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा तो आपने एक उपाय करना है। सबसे पहला उपाय ये, शनि देव के मंदिर में जाकर 9 मुट्ठी लीजिएगा। 9 मुट्ठी आपने काले तिल लेना है और बोलना है ओम शनि देव दुहाई मम रक्षा में कहकर चढ़ाएं और पूजा विधि विधान से कर शनि देव की चले आएं। इस तरीके से आपने 9 मुट्ठी आपने जो है जो काले तिल है वो आप चढ़ा के अपनी जो है शनि देव के सामने प्रार्थना करेंगे। यकीन मानिए आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हम दर्शकों से भी बात करेंगे, अगर उनकी कोई समस्या है कॉल करें। तो हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम मेरा जन्म 9/11/1990 को है। और समय बता दीजिए। समय मैडम मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। दिन का है रात का? सुबह का मैडम, सुबह सुबह का। चलिए सवाल पूछिए। मैडम मेरी शादी हुई है, बच्चे में परेशानी हो रही है, मेरे को बच्चा नहीं है। चलिए, संतान के लिए आपने बात की है कि संतान के लिए आपकी कुंडली में या पंचम भाव में देखते हैं कुंभ राशि संचार करिए। नवम्बर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिथुन राशि संतान के लिए, यहाँ पर जहाँ कहीं जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो थोड़ा ये है कि थोड़ा देर जरूर लगेगी मगर संतान आपके घर में जरूर रहेगी। एक चीज है, पितरों के नाम का आपने दान पुण्य करना आपके लिए बेहतर हो जाता है। यदि आप करते हैं तो आपके घर में संतान आती है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वो हमारे ही कुल के लोग होते हैं, वो पितृ होते हैं। बस मनाना होता है, अपने पितरों को मनाइए, आपके घर में संतान जरूर आएगी। गाय को रोटी और गुड़ रख के खिलाए, अच्छा रहेगा। जय भोलेनाथ। पुष्पा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, हेलो पुष्पा जी, स्वागत है। चलिए हम शेखर से बात करते हैं। शेखर जी स्वागत है आपका। हाँ जी जी, स्वागत। हाँ मैडम बोलिए जी। हाँ स्वागत जी। है, सबसे पहले आप जन्म तिथि जन्म समय बताएं। हाँ जी, 1986 30/11/1986। और समय बताएं। 30/11/1986 समय दिन में सवा 12 बजे। जी सवाल पूछिए। मैडम वो आगे क्या होगा, भविष्य में परेशानी चल रही है बहुत। सबसे पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी टीवी की आवाज बंद करके आप हमसे संपर्क में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा जो आप अपने सवालों का जवाब नहीं सुन पाएंगे। आपके लिए आगे भविष्य के लिए एक चीज बताना चाहेंगे, आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है। आप बहुत ज्यादा मेहनत, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने मेहनत की है मगर अच्छे अच्छे अचीवमेंट जो आपके हाथ से निकल गए। अभी दशाओं की बात कर लेते हैं। इस समय जो आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा का आपने उपाय करना आपके लिए बेहतर है। अक्टूबर महीने के बाद आपके जो है अच्छे दिन आने चालू हो जाएंगे, जो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। शनि का दान पुण्य करें। जय भोलेनाथ। राजबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राजबाला जी, सबसे पहले जन्म तिथि जन्म समय। हाँ मेरी बेटी है 5 मई 1990। और समय बताएं। समय रात में शायद 11 से 12 के बीच में है और बेंगलोर का जन्म है। जी सवाल पूछिए। हाँ गुरु मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी तलाक लेना नहीं चाहती लेकिन मेरा दामाद तलाक देना चाहती है और उनका 2 साल की बेटी भी है,
गया, ये तलाक रुकेगा, हम चाहते हैं रुक जाए, तो क्या होगा गुरु माँ इसका बताइए। चलिए, आपने ये जो सवाल मुझसे पूछा उसका कारण एक चीज मैं बताती हूँ। सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर उससे अगर आप तलाक उसके ले रहे हैं, अगर वो दे रहा है कोई, मैं ये कहूंगी कि स्वेच्छा से, जिस रिश्ते में अगर धागा यानी गांठ लग जाती है वो खिसता है, क्योंकि आगे जो है इस तरीके की जो है इसके साथ में कहीं अनबन बनी रहेगी, उस रिश्ते से तो अच्छा है अगर ये तलाक ले लिया, तलाक ले लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठा है, ये जो इशारा कर रहा है इसकी दूसरी शादी के योग जरूर बनेंगे और अच्छी शादी होगी। तो यहाँ तो मैं यही कहूंगी, ऐसे रिश्ते में क्या रखा है जिसमें लड़ाई झगड़ा रहे, गांठ बन जाती है ऐसे रिश्ते में, छोड़ देना चाहिए। बाकी तो मैं यही कहूंगी, और अपने लगन के भाव को गुरु को थोड़ा सा उच्च करके रखे इसके लिए बेहतर हो जाए। गुरु शांति की पूजा आराधना जरूर करवा लीजिए, अन्यथा जो है विवाह आदि में ऐसी अड़चन आती रहेगी। जय भोलेनाथ। रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। मेरी जन्म तिथि 19/11/1996 और समय बताए? समय दोपहर का है, ये तो 1-2 बजे के बीच का है। 19/11 है? हाँ। सवाल पूछिए। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट कब तक लग जाएगी, कब तक लगेगी? ये जो है हम कभी ग्रहों के बारे में ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, उनको चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ लगन है, तो हमें अपने जो कुंभ राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शनि को थोड़ा स्ट्रांग करना है। 6 डिग्री होके बैठा है, तो आपने जो है चाहे कितनी मेहनत कर लेंगे मगर सफलता नहीं मिल पाएगी। मगर अगर इसको शनि को थोड़ा स्ट्रांग कर लेते हैं, सूर्यदेव की पूजा आराधना कर लेते हैं, यकीनन आपकी जॉब वगैरह लगेगी। क्योंकि आने वाला समय जो आपके लिए बताता है कि दशाओं के अनुसार कि शनि की ही माँ दशा चल रही है, थोड़ा सा इसको सुधारना, आप नीली रतन धारण कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा, जॉब भी लगेगी। जब लेना। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। 24 अप्रैल 1996 24 अप्रैल 1996 समय बताइए। रात के 10:15 जी। सवाल पूछिए। मेरा करियर किधर रहेगा, मतलब हम बीकॉम कर रही हूं ग्रेजुएट, इसके बाद की होगा? बिल्कुल, बीकॉम कर रही हैं और आगे क्या होगा? आपके एक चीज बताना चाहेंगे, आप बीकॉम कर रहे हैं, आगे करियर के लिए आपके लिए जरूर बोलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। लगन में आपके वृश्चिक है और दशम भाव में यहाँ पर सिंह राशि संचार कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे के लिए ये बीकॉम करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की किसी भी क्षेत्र के जो भी ये करना चाहते हैं उसके लिए आप तैयारी करिए, यकीनन आपको जॉब मिलेगी। और अपने राशि के स्वामी को यहाँ थोड़ा मंगल स्ट्रांग करके रखिए, आप बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। मीनू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, हेलो मीनू जी। चलिए, हमारे दर्शक से संपर्क नहीं हो पा रहा, तब तक हम अपने राशियों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कर्क राशि वालों, आज के लिए आपका दिन क्या कहता है, आपके लिए कहता है आज निवेश में थोड़ा सा सावधान रहिए, खर्च करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, अविवाहित प्रेमी और पार्टनर का ध्यान रखें, जो अविवाहित है वो अपने पार्टनर का जरूर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और अपने जीवन साथी के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं, दुखी मत होइए, आज ही का दिन है, कल सही हो जाएगा। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन कहता है नौकरी कारोबार में परेशानियों के बाद आपको सफलता मिलेगी, भाई अच्छा लगता है, थोड़ी परेशानी होगी फिर सफलता मिलती है, अच्छा रहता है। मकान भूमि संबंधी कार्य बनेंगे, आपका मन जो कहे वही करो, कोई बुजुर्ग आपको प्रेरणा देगा, उसकी जो बातें हैं जरूर ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे, परिवार में भी सभी आपका सहयोग देंगे, अनजान लोगों से दोस्ती करते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा, पार्टनर के किसी आइडिया से आज आपको सोचा हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, तो पार्टनर की भी बात सुन लीजिए। एक और उपाय, पैसे वापस नहीं आ रहे, शनिवार को भैरव देव के मंदिर में जाकर भैरव देव की पूजा आराधना करें और धन वापसी के लिए प्रार्थना करें और दीप जलाएं और साथ ही भैरव देव को हो सके जो भी भोग लगाना चाहे, मेरे ख्याल से आप जो है जलेबी का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रार्थना करिए और कहिएगा हमारे पैसे वापस आए, यकीनन आपके पैसे वापस आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बाकी राशियों के बारे में भी। तुला राशि वालों, आज आपका दिन क्या कहता है? तुला राशि वालों के लिए कहना चाहेंगे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आप नया काम हाथ में लेंगे और आज आपका मन बहुत प्रबल रहेगा, आपके साथी और दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करें तो बेहतर होगा, मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आज आपके लिए क्या कहता है? दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए नजर आएंगे, गले के रोग हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, ठंडी चीजों का सेवन ना करें बेहतर होगा। और साथ ही हमारी धनु राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कहता है अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कारोबार के सिलसिले में यात्रा के योग, विवाह योग, अविवाहितों को भी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं,
समय का सदुपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा, समय आपकी कदर करेगा। एक उपाय और बता देते हैं, सफेद कागज पर आपने लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपसे पैसे लिए हैं। हो सके तो उसकी माँ का भी नाम लिख लीजिए, क्योंकि पहले व्यक्ति का नाम फिर माँ का नाम, और उसके बाद उस पर जो है आपने लाल मसूर की दाल रख दीजिए। उस मसूर की दाल को रखने के बाद उसके ऊपर आपने तेल का जो है दीपक जलाना है, और उसके बाद उस तेल के दीपक का जो मुख है वो उस लड़के जिसने आपके पैसे लिए उसकी तरफ करना है, उसके घर की तरफ आपने मुख करके वो दीपक जलाना और प्रार्थना करनी, ये रात में करना है कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे, ये छत पे करिएगा। और दूसरे दिन ये सारा सामान उठाइएगा, गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा दीजिए, यकीनन आपके पैसे मिलेंगे। सुधा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो जी, मेरे बेटे का नाम शुभम है जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 25 सितंबर 2005 और टाइम है रात की 2:57। सवाल पूछिए। भविष्य कैसे रहेगा, कुछ अच्छा करियर बन पाएगा, किस में बनेगा इसका करियर? यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, बच्चा थोड़ा चंचल स्वभाव का है, आप जो है कह सकते हैं कि ऐसा बच्चे अच्छे लगते हैं, चंचल स्वभाव के बच्चे होने भी चाहिए। करियर के लिए आपने बात किया, यहाँ पर मिथुन राशि बनती है और मिथुन राशि के यहाँ स्वामी है बुध। बुध का थोड़ा सा जो है इसका उपाय क्या करना है, इस बच्चे के हाथ से जब भी इसका बर्थडे हो तो इसके हाथ से गाय को चारा जरूर डलवाइएगा। अभी जैसा समय चल रहा है राहु का चल रहा है, तो हो सके तो इसके हाथ से सतनजा जो है पक्षियों को डलवाया करिए डेली। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रहेगा, आगे करियर भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। अभी छोटा है मगर आने वाले समय इसके लिए बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी सर्विस के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा मेरे को? सब नहीं, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म समय बता दीजिए। 17 जनवरी 1985। और समय बताइए। समय शाम के 5 बजे जी। अब सवाल पूछिए। तो मैं आपसे इसके सर्विस के लिए पूछना चाहता हूँ, जो कब तक और कैसे लगेगी? देखिए राजकुमार जी, जहाँ तक हमारे इसमें दिख रहा है कि आपकी जॉब लग जानी चाहिए थी, मगर यहाँ पर जो है अगर नहीं लगी है तो उसके लिए एक उपाय, एक चीज बताने हैं, पीले रंग के वस्त्रों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले रंग की चीजों का दान गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को आप दान करिए, उसमें गुड़ और चना रख के। मगर आने वाले समय में, क्योंकि आपके दशम भाव में मीन राशि संचार कर रही है, वही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जब हम पीले रंग की चीजों का दान करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा उठाना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि के हैं तो यहाँ पर शनि के 7.5 के प्रभाव चल रहे हैं, अपने मूंगा रतन धारण कीजिए और हो सके शनि का दान पुण्य करिए, आपके लिए बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो मैम, मेरा जन्म है 5 सितंबर 1982। और समय बता दीजिए। समय 2:00 PM का। सवाल पूछिए। एक तो मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मेरे को माइग्रेन बता रहे बहुत ही, दवाइयाँ खाली 15-16 साल से, बहुत ही दुखी रहती हूँ बीमारी की वजह से। चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मेरे एक दो सवाल और हैं जी, बताइए। मैं सोचती हूँ मेरा कोई अपना मतलब काम धंधा होगा या दूसरों पर आधारित रहना पड़ेगा। एक मेरी और पति की अनबन बहुत रहती है, घर में रेकलेस गुस्सा बिल्कुल, मतलब अशांत सा वातावरण रहता है। सबसे पहले आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में, जहाँ पर रोग का होता है। तो आपने शुक्र की चीजों का दान पुण्य करना है। शुक्रवार के दिन आपने कपूर, देसी घी, दही या फिर चीनी, ये सारी चीजें जो है आपने बदल बदल के आपने दान पुण्य करना, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। खट्टे चीज जैसे कि संतरा हो गया, अपने ऊपर से उसार के दान करना। और एक चीज और है, आप चींटियों को चीनी डाला करें शुक्रवार के दिन तो विशेष तौर से, यकीनन मानिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, अन्यथा जो है यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता। पहले स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी काम बनेगा, बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ दिखाई देता नहीं। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका। मैडम मेरा नाम सुमित है। ये सुमित जी बताइए, सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म समय। 5/7/93 5/7/93 और समय बता दीजिए। दोपहर के 3:15 जी। सवाल पूछिए। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर प्राइवेट? सबसे ज्यादा तो आपकी कुंडली में यहाँ पर प्राइवेट जॉब के जो है प्रबल चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मगर आप गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात कर रहे हैं, यहाँ पर मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी जो है शनि है, थोड़ा सा उसको प्रबल कर लीजिए। उसकी दृष्टि जो है दशम भाव पे पड़ी हुई है, वो भी 4ठे भाव में, जहाँ पर शनि जो है आपकी राशि संचार कर रही है। आने वाले समय के लिए यहाँ पर आप एक चीज बतानी चाहिए, राहु का उपाय कर ले, अन्यथा जो है आप मेहनत करेंगे, आप सफलता नहीं प्राप्त होगी। गोमेद रतन
आपने 6.25 रत्ती का धारण करते हैं आपके लिए बेहतर हो जाएगा, जॉब भी लगेगी, ये करके देखिए। जय भोलेनाथ। संगीता हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा नाम संगीता है, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तिथि बताएं, जन्म समय बताएं। 1986 जी 30 नवंबर जी। और समय बता दीजिए। समय दिन के 12 बजे जी। और उनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं मैम उसकी? उनकी देखिए सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आप इनको बोलिए सरकारी नौकरी ज्यादा यहाँ पे प्राइवेट जॉब की यहाँ पे चांसेस है, सरकारी नौकरी इसलिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि कम चांसेस है, 80% चांसेस है, इसलिए जो है प्राइवेट जॉब करें इनके लिए बेहतर रहेगा। एक चीज और है, इनकी कुंडली के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं तुला राशि के हैं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना, अन्यथा जो है कहीं जॉब वगैरह के लिए जाते हैं अट्रैक्शन हमारा पैदा नहीं हो पाता, दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते तो यहाँ पर जॉब में अड़चन आ जाती है। काल सब दोष की पूजा आराधना करा लीजिए, अन्यथा जो है अच्छे अच्छे मौके हाथ से जाते रहेंगे। जय भोलेनाथ। बाकी राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या कहता है आज आपका दिन मकर राशि वालों। आज आपका दिन कहता है बार बार किसी सोच में डूब जाना आपको शोभा नहीं देता, सो ऐसा ना करिए बीमार पड़ जाएंगे, बड़े सपने देखेंगे, खान पान में गड़बड़ हो सकती है, अपनी झुंझलाहट किसी और पर निकालने से बचे, गुस्सा आता है मन में अंदर क्रोध आता है दूसरे पे निकाल देते ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आज आपके लिए क्या कहता है, आज पारिवारिक समस्याओं से मन विचलित हो सकता है, संतान की असफलता आपको परेशान कर सकती है, आज आप धैर्य रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मीन राशि वालों आज आपका दिन कहता है गैस और बदहजमी जैसे उधर संबंधी समस्या हो सकती है, खान पान पे ध्यान दीजिए, बाधाएं दूर हो सकती है, नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी, याद रखिए। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। भाई आज का टिप क्या कहता है, आज का टिप ये कहता है सैटरडे का दिन है, अपने यानी घर के मुख्य द्वार के आपने दाहिने साइड में सरसों का तेल थोड़ा सा गिरा दीजिएगा, सरसों का तेल गिराने से और आपके घर में किसी के शनि के 7.5 चल रही है, शनि के प्रभाव में चल रहे हैं तो यकीन या आपके घर के नंबर पे या घर के जो माहौल है उस पे चल रहा होता है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये करके देखिए, दुश्मन भी जो आपसे दूर भागेंगे। कल एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मैं तारा कृष्ण शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत। जय भोलेनाथ।